हम इस समय मौजूद हैं रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में। अभी अभी यहाँ पर से चौथर विधानसभा से बहुजन समाजवादी की प्रत्याशी गीता मांझी जी ने पर्चा दाखिला किया है। पर्चा दाखिल करके वो बाहर निकली हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनके इस बार क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में जाएंगे। जी, हमारे देवथर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हमारे क्षेत्र में एक भी काम नहीं हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं करती रहते हैं कि हम ये कर दिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, आप चले क्षेत्र में, मैं वर्तमान में जनपद अध्यक्ष हूँ, मैं मेरे साथ आप लोग चलें, मैं दिखाती हूँ कि क्या परेशानी है। लोग ऐसे हैं जिनके घर में आज भी ऐसे घर हैं कि जिनके घर में एक बल्ब भी नहीं है, वहाँ बिजली के पोल भी नहीं हैं और तार भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ बिला रहे हैं। मैं आज दिखाऊं आपको, जो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ऐसे घोषणाएं करते हैं कि सब कुछ है, हर घर रोड होगा, हर घर पक्का मकान बनेगा, बहुत सारे किसानों के लिए हम ये कर देंगे, बहुत किसान खुशहाल है। लास्ट देखिए, रात भर किसान बेचारे जागते हैं तो भी अपनी किसानी नहीं बचा पा रहे जो खेती बाड़ी किए रहते हैं, क्योंकि इतना आवारा पशु हैं, बहुत सारे ऐसे दिक्कतें हैं। रही बात पानी की तो ऐसे परेशान है वहाँ पे कि ये हैंड पंप तो कहाँ इनका बजट जाता है ये समझ में नहीं आता। माननीय सांसद महोदय, विधायक जी, ये सब बजट दिए हैंड पंप में, लेकिन आज देखे कि जो बेचारे गरीब हैं, आप देखे दो किलोमीटर दूर से वो पानी ला रहे हैं। अगर एक हैंड पंप रहता वो भी कितनी दूरों से, वो अगर बिगड़ गया तो आप उनके हैंड पंप नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप कहते हो कि मैं पूरे लोगों को हैंड पंप दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, कहते हैं कि ये बहुजन के जो गरीब लोगों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो कहते हैं उनको हैंडपंप इसलिए नहीं दी जाते कि कहते हैं कि बहुजन के, क्या किसी को वोट देना गुनाह है? हम कहते हैं सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सब अपनी स्वेच्छा से देता है, लेकिन वर्तमान में जो बन जाते हैं सांसद हो चाहे विधायक हो, वो तो सभी के लिए होते हैं ना। क्या आपका मानना है कि आपके यहाँ से कद्दावर भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे रमाकांत जी, वो आपके यहाँ से भी विधायक भी थे, मंत्री भी थे, आपका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक ने कोई भी काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं। आप चल के देखें, एक भी स्कूल की व्यवस्था देख लें, आप एक हॉस्पिटल की व्यवस्था देख लें, आप वहाँ आवारा पशुओं की व्यवस्था, रोड की देख लें, ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है। हमारा देवथर विधानसभा क्षेत्र ऐसा हर एक काम में पिछड़ा हुआ है। आपके यहाँ से पिछले 23 साल से वहाँ पर 100 सीटर बेड की घोषणा हो चुकी है, वहाँ पर आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ, तो क्या आपकी प्राथमिकता में स्वास्थ्य सुविधाएं भी? बिल्कुल 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 वो रहेगा, क्योंकि हमारा देवथर विधानसभा क्षेत्र इतना दूरी पे फैला हुआ है और जाते जाते अगर किसी की इमरजेंसी हालत हो गई, अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो इलाहाबाद जाएगा और या रीवा आएगा, ऐसे हालात में वो तो बेचारे आधी दूर में ही उनकी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत सारे ऐसे डेथ हो जाती हैं कि वहाँ पहुँच भी नहीं पाते। तो हमारे देवथर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए ही नहीं, काम के बारे में अगर पूछेंगे तो काम कुछ भी नहीं हुआ है। आप संभागीय प्रभारी, आप अपनी पार्टी की पूरे संभाग में यहाँ पर विंध्य में 30 सीटें, आप अपनी पार्टी की स्थिति किस तरीके से देखते हैं? आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति से लगभग आप सभी लोग हमसे ज़्यादा अवगत हैं, और कांग्रेस के पास कोई पावर नहीं, कांग्रेस के पास संगठनात्मक शक्ति नहीं है, कांग्रेस के फील्ड में कोई ना संगठन है, वो संगठन के बेस पे कांग्रेस को भी काम करती है। बहुजन समाज पार्टी हमारी कैडराइज पार्टी है, बहन मायावती जी के निर्देश में चलती है, और हमारा कार्यकर्ता हमारे पार्टी के संगठन के प्रति हमेशा संवेदनशील और हमेशा तैयार रहता है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि विंध्य में हमारी इस बार ज़बरदस्त विजय होगी और आप सबकी जो है सहयोग रही है। ये थे हमारे साथ रीवा संभाग के प्रभारी शैलेंद्र श्रीवास्तव जी और देवथर विधानसभा से बहुजन समाजवादी के वादी की प्रत्याशी गीता मांझी जी, जिनका साफ तौर से कहना था स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं, पेयजल, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उनके क्षेत्र में किसी तरीके का कोई भी काम नहीं किया। हमारी पहली प्राथमिकता इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए होगी। रीवा दर्शन से लिए मैं जावेद अंसारी।